प्रेम की गली में एक छोटा सा घर बनाएंगे, प्रेम की गली में ओ, प्रेम की गली में एक छोटा सा घर बनाएंगे। कलियां ना मिले ना सही, कांटों से सजाएंगे बगिया से सुंदर वो वन होगा। रिमझिम बरसता सावन हो, ताली बजाओ। झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन। मैं हरीश भाई और कनु भाई दोनों से निवेदन करता हूं, दोनों थोड़े से ऊपर आए। मंजुल देवी, हरीश कुमार, नीतू देवी, कन्यालाल जी मंच पे आए, उनकी बेटियां भी आ जाए। भाई रौनक, सुमित, ईशान और ट्विंकल वो भी आ जाए, सब लोग आगे आ जाओ। आयो आप लोग तालियां बजाएं एक बार। झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। ऐसा सुंदर सपना अपना, ऐसा सुंदर सपना अपना जीवन होगा। झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। इनकी बेटियां और जमाई वो भी मंच पे आ जाए। बेटियां और जमाई भी मंच पे आए और इनकी इनके पौत्र और उनकी बीनियां भी मंच पे आ जाए। मैंने कहा प्रेम की गली में एक छोटा सा घर बनाएंगे, प्रेम की गली में ओ, प्रेम की गली। ताली तो आप बजा सकते हो ना। प्रेम की गली में एक छोटा सा घर बनाएंगे, कलियां ना मिले ना सही, कांटों से सजाएंगे बगिया से सुंदर वो वन होगा। रिमझिम बरसता सावन होगा। ऐसा सुंदर सपना अपना जीवन होगा। अब आप लोग इसे फोटो खिंचवा ले, फिर सबके हाथ पकड़ ले और इनके साथ में आपको थोड़ा सा आनंद भी करना है। झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। कनु भाई कहाँ है? कनु भाई से निवेदन करता हूं तुरंत मंच पर आए। कनु भाई और कहा तेरी आंखों से सारा संसार में देखूंगी, तेरी आंखों से सारा, तेरी आंखों से सारा संसार में देखूंगी, देखूंगी इस पार या उस पार में देखूंगी, नैनों को तेरा दर्शन होगा।
नैनों को तेरा दर्शन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। ऐसा सुंदर सपना अब ताली बजाओ, ऐसा सुंदर सपना अपना जीवन होगा, झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। सब लोग हाथ पकड़े थोड़ा आनंद करते। झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम अब इसलिए तो कितनी अच्छी है, तो कितनी भोली है, तो कितनी सुंदर है, तो कितनी प्यारी है, प्यारी प्यारी है। हो माँ, हो माँ, हो माँ, हो माँ, ये जो दुनिया है, ये जो दुनिया है, वन है कांटों का, ये जो दुनिया है, वन है कांटों का, तू फुलवारी है। हो माँ, हो माँ, हो माँ। आप लोग नाचना मंच पे सब आनंद करते हुए ये हो आगे पाछे कनु भाई से निवेदन करता हूं कि तुरंत मंच पे आए। दुखने लागी है माँ तेरी अखियाँ, दुखने लागी है माँ तेरी अखियाँ, मेरे लिए जागी है तू सारी सारी रतियाँ, मेरे लिए जागी है तू सारी सारी रतियाँ। मेरी निंदिया पे, मेरी निंदिया पे, अपनी निंदिया भी तूने वारी है। हो माँ, हो माँ, हो माँ, हो माँ। ये बंधन को प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है, ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। एक बार दोनों हाथों को उठा के सभी लोग ताली से अभिवादन करें। अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, माँ को अपने कभी भी सुख की चिंता नहीं होती। दोस्तों कई बार हम लोग घर में भोजन करते हैं, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, और सबके घर में होता है, बेटा आता है तो माँ फट से थाली में भोजन डाल देती है। कई बार क्या होता है कि माँ सबसे अंत में भोजन करती है, मतलब सबको खिलाने के बाद, तो कई बार सब्जी नहीं बचती, कई बार रोटी भी नहीं बचती, लेकिन माँ कभी नहीं बोलती कि आज जब मैं खाना खाने बैठी थी तो सब्जी नहीं थी। अपने बेटे को कभी नहीं बोलती, वो जैसा लुका सूखा जो भी है उसको स्वीकार कर लेती है। ऐसी माँ का ये परिवार खड़ा है, जोरदार तालियों से अभिवादन करें और कहा बजाओ भाई। अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया
आया तू मुस्काया, मैं रोया तू तो मेरे हंसने पे मेरे रोने पे। नीचे बैठ जाओ, एक बार पांव दबा दो इनके। हाँ, मेरे हंसने पे ओ मेरे रोने पे तू बलिहारी है। ओ माँ सुन रहे हैं तो तुरंत मंच पर आए, क्योंकि कल जब ये फोटो आएगा तो ये पूरे जीवन भर तक की बात रह जाएगी। उस समय कि मैं किसी कार्य में व्यस्त था। मैं कनुभाई से निवेदन करता हूं, मेरी आवाज सुने, उनको कोई फोन करे, उनको कोई समाचार करे, वो तुरंत मंच पर उनको बुलाना। और अंत में मां बच्चों की जा होती है, मां बच्चों वो होते हैं किस्मत वाले जिनके माँ होती है। बोला वो होते हैं किस्मत वाले, अरे वो होते हैं किस्मत वाले जिनके माँ होती है। कितनी शीतल है, कितनी भोली है, कितनी प्यारी है, कितनी सुंदर है, प्यारी प्यारी है। सूरज कहो या चंदा, आकाश कहो या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राजा। तुझे सूरज कहो या चंदा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा। कनुभाई थोड़ा भाग के आए। एक निवेदन, इस कार्यक्रम में भी एक बड़ी अजीब कहानी मेरे को और कनुभाई को लेके। वो कनु भाई मंच पे आया तो फिर मैं बोलूंगी क्या कहानी है। इस कार्यक्रम के लिए इन्होंने 6 लोगों से मुझे फोन करवाया। कितने लोगों से? और वो सब बड़े बड़े लोग हैं, इनके बड़े अच्छे मित्र हैं। एक तो हमारे बारवा वाले हैं, ईरजी भाई के पास से फोन करवाया, कालबा देवी से। एक टॉर्च शो ग्रुप के हमारे शंकर भाई से फोन करवाया, एक रामदेव होटल रघुभाई से फोन करवाया। और मैं अपने स्वास्थ्य के लिए नेचुरोपैथी पे जाने वाला था और वो तारीख तय हो रखी थी, सारा कुछ तय हो रखा था। मेरी कुछ स्पाइन में प्रॉब्लम है, तो मैंने कहा यार मुझे 20 दिन मिल रहे हैं लगातार, तो मैं ये इलाज करवा देता हूँ। कन्नू भाई को जब इन्होंने फ़ोन किया तो पहले तो हमने ये कह दिया, तो मुझे उसका भैया का फ़ोन आया। क्या नाम है आपका? निक्की।
तो इन्होंने मुझे कहा कि सर हमने इतना बड़ा कार्यक्रम किया लेकिन आपका जब ये समाचार मिला कि आप नहीं आ रहे तो हमारा पूरा परिवार मायूस हो गया और पूरे इस आनंद के कार्यक्रम सिर्फ इसलिए मायूस हो गया कि हमारी बड़ी इच्छा थी कि जब भी ये कार्यक्रम होगा प्रकाश माली आके गाएगा और आपने कहा कि मैं तो नहीं आ पा रहा। तो दो दिन तक हमारे परिवार में इस पूरे प्रोग्राम की जो खुशी थी उस खुशी में एक बहुत बड़ा छेद हो गया और आप नहीं आ रहे थे तो हम लोगों ने अच्छा नहीं लगा, हम लोगों ने सोचा कि इतना बड़ा हो रहा है और हमारे को जिनकी जरूरत है वो नहीं आ रहे। लेकिन ये भगवान की कृपा ऐसी बनी कि मैंने वो कार्यक्रम कैंसिल इसलिए कर दिया कि इनका मन बना रहे। इन्होंने कहा कि हमारे दादाजी हमारे परिवार की उम्र है, उनकी उम्र है और इतना बड़ा भव्य कार्यक्रम करवा रहे, आप नहीं आएंगे तो आपको बहुत बहुत साधुवाद कि आपने मेला करवाया। हो माँ हो माँ हो माँ तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, तू कितनी प्यारी है, कितनी सुंदर है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ 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 ओ साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, मुझे तुम मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी है। बस ये दिखावा नहीं दोस्तों, पैसे तो बहुत सारे लोगों के पास हो भी जाते हैं, कई बार होके चले भी जाते हैं, कल साइकिल पे थे आज फॉर्च्यूनर में घूम रहे हैं, लेकिन ये जो मन है और ये परिवार का जो एकता का भाव है बस यही सबसे बड़ी आवश्यकता है इस देश की कि परिवार संयुक्त रहे, अपने माता पिता के साथ में रहे, बहुएं जो है वो आते ही परिवार को संभाल ले और कहीं बीच में मौका मिला तो मैं माँ के लिए वो 5 जो बातें हैं वो भी गा लूंगा, लेकिन इस पूरे संयुक्त परिवार के लिए मैं चाहता हूँ जोरदार तालियों से अभिवादन करें। आज के युग की ये प्रबल आवश्यकता है कि भाई और भाई अपने परिवार अपने माता पिता के साथ खड़े रहें, भाई भाई कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करें। कनु भाई हरीश भाई इन दोनों भाइयों के लिए जोरदार तालियां और आपकी बहुत जोरदार अनुमोदना करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।